गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। इंग्लिश में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और कितने तरीके से इसको हम बना सकते हैं इंग्लिश में, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कितने तरीके हैं इसको बनाने के और कैसे इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले हम पार्टिसिपल्स का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स वर्ब्स की फॉर्म ही होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ की जाती हैं, और एडजेक्टिव का काम करती हैं, उनको पार्टिसिपल्स कहते हैं। तो पार्टिसिपल एक्चुअली इज अ वर्बल एडजेक्टिव। तो पार्टिसिपल तीन होते हैं, पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव होता है, और पार्टिसिपल तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का यूज़ करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते कब हैं? तो बहुत सिंपल है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि जो दो या दो से अधिक जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, उनमें सब्जेक्ट एक होना चाहिए। देयर शुड बी द सेम सब्जेक्ट इन बोथ द सेंटेंसेस। तो पहले हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या देखा कि दो सेंटेंसेस का या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस हैं उनका सब्जेक्ट एक ही हो, सेम हो, ठीक है। ये पहली कंडीशन है पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, सब्जेक्ट एक होना चाहिए। अब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे, पास्ट से बनाएंगे या परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके वन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि इसमें दो एक्शन होते हैं, एक एक्शन दूसरे एक्शन का रिजल्ट होता है, और एक एक्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है तब तक दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाता है। जब ऐसा हम सेंटेंसेस में देखते हैं तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, ही जंप्ड अप, ही जंप्ड अप, वन सेंटेंस। ही रेन अवे, सेकंड सेंटेंस। ये दो सेंटेंस हैं, ही जंप्ड अप, ही रेन अवे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, वी हैव टू सी द सब्जेक्ट ही एंड दिस सब्जेक्ट ही। इन बोथ द सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज सेम, ही, ओके। सेकंड में क्या देखना है, वन एक्शन ऑफ जंपिंग, सेकंड एक्शन रनिंग अवे। वन एक्शन फिनिश नहीं हुआ कि सेकंड एक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो कूदने का रिजल्ट क्या हुआ कि वह भागा, ठीक है, रेन अवे। तो हम वी शैल यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल टू कंबाइन दीज टू सिंपल सेंटेंस इनटू अ सिंपल वन। अब इसके लिए बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, आपको देखना है कि ये जो है फर्स्ट सेंटेंस, इसकी ये जो फाइनाइट वर्ब है जंप्ड, इस पूरे सेंटेंस को हमको, व्हाट शुड वी डू, वी शुड कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू अ फ्रेश सेंटेंस। को हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रेश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए, व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है,
जो एडजेक्टिव का काम करती है, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव होते हैं, तो हम इसको बनाएंगे जंपिंग अप। फिर कॉमा, ये जंपिंग अप में कन्वर्ट कर दिया फ्रेज में हमने पूरे सेंटेंस को, और ये इसका रिजल्ट है ही रेन अवे। ये सिंपल सेंटेंस बन गया, जंपिंग अप ही रेन अवे, ठीक है, वेरी सिंपल। अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके हम कैसे बनाते हैं पास्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल, यस पास्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट कंडीशन सब्जेक्ट एक होना चाहिए, सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल में, इसमें एक एडजेक्टिव होता है, वन सेंटेंस सेकंड सेंटेंस की डिफाइनिंग होता है, इसमें एक एडजेक्टिव है जिसको, जिसमें एक नाउन है जिसको दूसरे सेंटेंस में डिफाइन किया गया है, जैसे आई हैड अ वॉच आई लॉस्ट इट, ठीक है। अब इसमें आपने देखा कि ये वॉच है, एक फर्स्ट कंडीशन, सॉरी आई, दिस वन आई, सब्जेक्ट इज आई, सेम दिस नाउन वॉच इज डिफाइंड इन दिस क्लॉज लॉस्ट। हम क्या करते हैं इसमें, इन दोनों को पास ले आते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे कंडीशन ये बताई थी आई हैड अ वॉच आई लॉस्ट इट, ठीक है, इसमें क्या करेंगे आई लॉस्ट, आई हैड अ वॉच माय वॉच, आई लॉस्ट माय वॉच, ये बिल्कुल सिंपल बन गया पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाएं, तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो पार्टिसिपल से बनाने के लिए फर्स्ट कंडीशन इज सब्जेक्ट शुड बी द सेम इन ऑल द सेंटेंसेस, ओके। वन थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर कि परफेक्ट पार्टिसिपल से जब आप बनाएंगे तो उसमें कंडीशन ये है कि एक एक्शन जो होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है तब दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक एक्शन होते होते ही दूसरा एक्शन होने लगा, जंपिंग अप ही रहने में। इसमें क्या होगा, एक एक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, तब हम क्या बनाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। तो देखिए कुछ इसके एग्जांपल्स देते हैं, जैसे ही हैड हिज डिनर, ही हैड हिज डिनर, ठीक, ही बिगेन टू डू हिज होमवर्क, ही began to do his homework, ये दो सेंटेंस हैं, he had his dinner, he began to do his homework, ये दो सेंटेंस हैं। अब आप देखिए पहले उसने क्या किया, पहले अपना डिनर किया, ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, होमवर्क किया, तो डिनर करते करते तो होमवर्क नहीं किया, पहला एक्शन उसका क्या था, डिनर करने का, द एक्शन ऑफ हैविंग हिज डिनर इज कंप्लीट, देन द सेकंड एक्शन ऑफ
डूइंग हिज होमवर्क स्टार्ट्स, तो हम ऐसे में परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, देखिए बनाइए, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनता है। अब देखिए हैविंग लगा दिए, हैविंग हैड थर्ड फॉर्म हिज डिनर कॉमा, ये पूरा क्या बन गया, ही हैड हिज डिनर, इसको हमने फ्रेज बना दिया, हैविंग हैड हिज डिनर, ये फ्रेज बन गया और परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट सेंटेंस हम एज इट इज जोड़ देते हैं, ही बिगेन टू डू हिज होम वर्क, ओके, ही हैड हिज डिनर, ही बिगेन टू डू हिज होमवर्क, हैविंग हैड हिज डिनर, ही बिगेन टू डू हिज होमवर्क, ये पूरा बन गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का यूज करके टू और मोर सेंटेंसेस आर कंबाइंड इनटू अ सिंपल वन। ठीक है, और पार्टिसिपल का यूज हम कब करते हैं, द फर्स्ट कंडीशन इज दैट वी हैव टू सी द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द सेंटेंसेस शुड बी द सेम। ठीक है, और ये पहली कंडीशन है, चाहे हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएं, प्रेजेंट बनाएं या पास्ट बनाएं, सब्जेक्ट एक होना चाहिए। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए हमने क्या किया कि इसमें एक एक्शन खत्म नहीं होता, दूसरा स्टैंड एक्शन स्टार्ट हो जाता है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो एडजेक्टिव का काम करती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का डिफाइनिंग क्लॉज होती है, तो वो डिफाइनिंग हमने कर दिया। ठीक है, इस नाउन वॉच को ये लॉस्ट, ये एडजेक्टिव है, ये इसको डिफाइन कर रहा, आई हैड अ वॉच, और ये डिफाइनिंग है पूरा लॉस्ट। ठीक है, तो आई लॉस्ट माय वॉच। दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल कब बनाया, पहली कंडीशन सब्जेक्ट सेम देख लिया, इसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनाते हैं, इसमें एक एक्शन पूरा हो जाता है फिर दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है, ये सिंपल है पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, दो सब्जेक्ट एक होना चाहिए फिर हम एक्शन देखते हैं। आई थिंक यू पीपुल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में आपको और सिंपल सेंटेंस कितने तरीके से बनाया जा सकता है वो बताएंगे, बिल्कुल सिंपल वे में, हिंदी में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।